कृति झा टीवी की वो मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कुमकुम भाग्य सीरियल में प्रज्ञा बनकर लाखों करोड़ों दर्शकों के दिलों पर खूब राज किया है। इसीलिए वो देश की नंबर वन एक्ट्रेस बन गई हैं। तभी तो इनके सभी सीरियल्स दर्शक घर घर देखना खूब पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जहां एक्ट्रेस कृति झा के सभी सीरियल दर्शक खूब देखना पसंद करते हैं, वहीं इनकी बहन मीनाक्षी इनके चार सीरियल्स देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, जिसकी पीछे कई अलग अलग कारण हैं। तो आखिरकार कौन कौन से कृति झा के वो चार सीरियल्स हैं जिन्हें इनकी बहन मीनाक्षी बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती, आइए जानते हैं उन सीरियल्स के बारे में। पर एक पर है रक्त संबंध। टीवी एक्ट्रेस कृति झा की बहन मीनाक्षी झा अपनी बहन के जिस पहले सीरियल को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो सीरियल है रक्त संबंध, जो कि साल 2010 में आया था। पर आपको बता दें कि मीनाक्षी झा इसीलिए ये शो पसंद नहीं करती क्योंकि जहां इनकी बहन को एक गरीब घर की लड़की के तौर पर दिखाया गया था, वहीं उन्हें इस शो में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सबसे कम फीस मिली थी। नंबर दो पर है दिल से दी दुआ। मीनाक्षी झा अपनी बहन कृति झा के दूसरे सीरियल दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भव को भी बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती क्योंकि इसमें इनकी बहन कृति झा के ऑन स्क्रीन पति विराज ने उन पर खूब घरेलू हिंसा की थी और अपने बहन को ऐसी हालत में देखना मीनाक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो सीरियल हो या फिर रियल। नंबर तीन पर है शौर्य और सुहानी। साल 2009 में आया कृति झा का शो शौर्य और सुहानी को भी मीनाक्षी झा इसलिए बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती क्योंकि जहां इस शो की कहानी काफी बोरिंग है, वहीं इसमें काम करने वाले कलाकार भी कुछ खास नहीं थे, जिसके चलते ये शो फ्लॉप रहा था। इसीलिए इनकी बहन कृति झा की इमेज थोड़ी सी डाउन हो गई थी। नंबर चार पर है ज्योति। वैसे तो साल 2009 में आए शो ज्योति से एक्ट्रेस कृति झा को खूब फेम हासिल हुआ था, मगर वो इस शो में लीड रोल में नहीं थी, जिसके चलते लोग उन्हें कुछ खास पसंद नहीं कर रहे थे। बस इसी कारण से मीनाक्षी अपनी बहन के इस शो को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती। दोस्तों, आप एक्ट्रेस कृति झा के कौन से सीरियल को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते, आप हमें उस शो का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।